तो हम तो ऋषियों के संतान हैं जिन्होंने जीवन को जीना सिखाया है, पर हम स्वयं को भूल गए, प्रकृति से दूर हो गए, नेचर से हम दूर हो गए, नेचर का हम सम्मान नहीं करते। देखिए, नेचर का सम्मान कीजिए, नेचर का सेवन कीजिए और नेचर की सेवा कीजिए। वृक्षारोपण कीजिए, अपने जीवन में कम से कम 10 पौधे जरूर लगाएं, कम से कम 10 पौधे जरूर लगाएं अपने जीवन में, क्योंकि इसी पृथ्वी से हमको ऑक्सीजन मिलता है, इसी पृथ्वी से हमको जल मिलता है, इसी पृथ्वी से हमको फल मिलता है, अन्न मिलता है। जब पृथ्वी प्रकृति हमको इतना सब कुछ दे सकती है, तो हम क्या प्रकृति के लिए इतना सा नहीं कर सकते? क्या हम 10 वृक्ष नहीं लगा सकते? हम इतने कृपण, हम इतने कंजूस कैसे हो सकते हैं? सज्जन वृंद, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाली पीढ़ी सुखद रहे, हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बैंक में तो बैलेंस जमा कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि लोग मैं साहब बोले बेटा होंगे बेटी होंगे, क्या खाएंगे क्या पियेंगे, हजारों रुपए करोड़ों रुपए में देखता हूँ लोग बैंकों में जमा करे जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले हमारे संतति के लिए। अरे जब स्वच्छ हवा नहीं मिलेगा, स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा, तो आपकी संतति कहाँ से भोजन करेगी, कहाँ से जल पिएगी? वो बैंक का पैसा आपके बच्चों को भोजन नहीं देगा। इस बात को ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आपको अपने संतति का जीवन सुखद चाहिए, अपना आने वाला जीवन सुखद चाहिए, बैंक बैलेंस तो जमा कीजिए, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, पर साथ में कुछ पौधे भी लगाइए, कुछ शुरुआत। आपको हवा चाहिए ना सुंदर, तो आज से वृक्षारोपण करना शुरू करें, प्रकृति का विनाश ना करें, प्रकृति का विकास करें, वृक्षारोपण करें अपने जीवन में। जितना आप नेचर के साथ रहेंगे, उतने आप मुस्कुराते रहेंगे, उतने आप सुखी रहेंगे, उतने आप आनंदित अहलाद